वैसे देखा जाए तो मेरे लिए आजम खान राजनीति के कोहिनूर हैं। अफसोस बस इसी बात का रहेगा कि अंग्रेज दूसरा वाला कोहिनूर ले गए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। प्रोग्राम शुरू करने से पहले फन तंत्र की पूरी टीम की तरफ से शीला दीक्षित जी को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी का कल दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 81 वर्ष की थी। उनके विरोधी भी ये बात अच्छी तरह मानते थे और अब भी मानते हैं कि उन जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को न कभी मिला था और ना आगे कभी मिलेगा। और एक बार उन्हें नमन। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस पूरे हफ्ते देश भर में क्या क्या हुआ, किस किस ने कहां कहां पर किन किन मुद्दों पर बवाल काटा, आइए उनके ऊपर हम काटना शुरू करते हैं। भाई, कहा जाता है जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता था तब प्रलय आ जाता है। वैसे ही जब आपकी और मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तब प्रलय आ जाता है। जी हाँ, ये भी एक टाइप का प्रलय ही है। असम, बिहार, मुंबई और बाकी शहरों में आई बाढ़ यही बता रही है कि हम सब की आंखें सचमुच में बंद हैं। Nope. लेकिन आपको और मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम और आप एसी और कूलर ऑन करके सोते रहे। पानी आपके दरवाजे और मेरे दरवाजे तक थोड़ी आया है। जब आएगा तब डूब जाएंगे, क्योंकि डूबना तैयारी करने से ज्यादा आसान है, है कि नहीं। खबर यह है कि असम की बाढ़ से करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति यह है कि सुशासन पानी पानी हुआ पड़ा है। मुंबई में भरा हुआ पानी फिर से यह बता रहा है कि हम इतने लाचार हैं कि खुद को डूबने से बचाने के लिए भी हम बीएमसी पर निर्भर हैं। कुछ लोगों ने तो इस वजह से बीएमसी की बीसीएमसी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिम्मेदार लोग कहाँ हैं भाई, हैं? और वो करे भी तो क्या करे, उनको या तो कहीं सरकार बनानी है या कहीं की गिरानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई सोया हुआ है, कुछ लोगों की आंखें सचमुच खुली। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने असम रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए दान किए। वहीं पिछले 2 दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली फर्राटा एक्सप्रेस हिमा दास ने भी अपनी आधी कमाई रिलीफ फंड में दे दी है। और मजे की बात यह है कि देखिए, इनमें से ये दोनों भी, यानी कोई भी असम का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। असम की ब्रांड एम्बेसडर तो वो हैं जो इस वक्त यूएस के अंदर शूटिंग में व्यस्त हैं। लेकिन टेंशन नहीं, उन्होंने अपनी भरपूर दुआएं यहां फेंक मारी हैं। उसी के सहारे, यानी उन्हीं के फेंकी दुआओं के सहारे लोग तैर कर बच भी जाएंगे। और ब्रांड एम्बेसडर बनकर जो माल उन्होंने कमाया है उतने पैसे में तो दुआएं ही मिलेंगे। वैसे भी हमारे देश में सारी नैतिक जिम्मेदारियां सरकार की होती, सेलिब्रिटीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। Nope. कभी नहीं। लेकिन असम की बाढ़ के साथ साथ एक नॉनसेंस वाली बाढ़ भी इंडियन पॉलिटिशियंस के दिमाग में आई हुई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सरकार से मांग की है कि मुर्गे और अंडे को शाकाहारी भोजन डिक्लेयर कर दिया जाए। Hey. वैसे ठीक भी है, एग्जाम में मुझे अंडा मिलता था और अंडा मिलने के बाद मेरी टीचर मुझे मुर्गा बनाती थी। मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो कायदे से ये मुर्गा वेजिटेरियन है और मेरा वाला अंडा भी वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी हुआ। अब बात प्रियंका गांधी की, वो भी इस वक्त फुल क्रांतिकारी मूड में है। सोनभद्र में जमीन विवाद के मामले पर वो लोगों से मिलने पहुंची तो इलाके के प्रशासन ने उनको ये बोलकर रोक दिया कि इससे लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़े। कांग्रेसियों ने इसको प्रियंका की गिरफ्तारी की तरह लिया। इसके बाद तो प्रियंका वाड्रा धरने पर बैठ गई। देखकर ये भी लग रहा था सभी को कि प्रियंका वहां अपनी गिरफ्तारी देने के लिए ही गई। इतना होना था कि सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी तक सबने इसको संविधान पर हमला बोल दिया। वैसे प्रियंका की इस तत्परता को देखकर 1984 दंगों के पीड़ित भी यही सोच रहे हैं कि काश उस समय प्रियंका होती और हमसे मिलने आती तो कितना अच्छा। लेकिन एक मिनट, वहां मामला जमीन का नहीं था ना। वैसे भी जमीन से जुड़े मामले में वाड्रा का आना तो बनता है। जैसे लोहा चुंबक से चिपक जाता है, वैसे वाड्रा जमीन से। इस दुनिया में रूस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वाड्रा के पास ही है। प्रियंका का कहना था कि उनका यह दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, वो बस लोगों का दर्द बांटने के लिए जा रही है। ये मैडम दर्द बांटती हैं और इनके मिस्टर जमीन। इस बीच आजम खान ने प्रियंका का पूरा बचाव किया है। बाद में पता चला कि यूपी सरकार द्वारा वो भू माफिया घोषित कर दिए गए हैं। सारे फक्कड़ आदमी अरे गहरे सारे इकट्ठे हो लिए भू माफिया। वैसे कायदे से उनको चू माफिया होने का टैग भी प्राप्त है, क्योंकि जितना उन्होंने फैलाया है शायद ही कोई और फैला पाएगा। उनको भी मैं सर झुका के नमन करता हूँ। इसके बाद तो खान साहब और नाराज हो गए। कह रहे थे कि 1947 में पाकिस्तान न जाने की सजा उन लोगों को मिल रही है। मतलब अब उनकी भैंसों के साथ वो भी भागने वाले हैं। वैसे हमारे खान साहब का गुजारा वहां भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडरवेयर चेक करने वालों को वहां सीधे फांसी पर चढ़ाया जाता है, शायद इनको पता नहीं। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ये बयान सुनने के बाद मेरे को बार बार यही लगता है कि अगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से ले जाकर हम 60 किलो आटे की बोरी और आजम खान, उन दोनों को एक साथ अगर नीचे फेंक दें तो पूरे चांसेस हैं कि आजम खान पहले नीचे गिरेंगे। वैसे आजम खान और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। एक मिनट, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं।
दरअसल आजम खान की सोच और पाकिस्तान की जीडीपी दोनों में सबसे तेज गिरने का कंपटीशन चल रहा है। ऐसे ही लोग हैं जिनके हाथ में अगर आप प्लेस्टेशन भी दे दो तो उसमें भी वो सांप सीढ़ी वाला गेम ही खेलेंगे या लूडो। और तो और कड़वा तो इतना बोलते हैं कि करेला भी आपको शुगर की बीमारी दे देता है। वैसे मुझसे पूछे तो आजम खान राजनीति के कोहिनूर हैं। अफसोस बस इसी बात का रहेगा कि अंग्रेज गलत कोहिनूर उठा ले गए, इनको यहीं छोड़ दो। लेकिन बॉस इस बीच कर्नाटक के नाटक का भी सेकेंड हाफ शुरू हो गया, यानी शक्ति परीक्षण से पहले भाजपा और कांग्रेस नेता पूरी नेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चिल्ड सीएम कर्नाटक के पास ही है। उनके सीएम कुमारस्वामी इतने चिल्ड हैं कि सदन के अंदर ही सोते हुए पाए गए। मतलब इस आदमी के जीवन में बस दो ही मोटो हैं, एक सोना और दूसरा रोना। जी हाँ, जहां ये रो नहीं सकते वहां सो जाते हैं और जहां सो नहीं सकते वहां रो देते हैं। वैसे येदुरप्पा भी कहां हार मानने वाले थे, उनके साथ भाजपा के विधायक भी रात भर सदन के अंदर ही लेटे रहे। स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट नहीं होने दिया तो येदुरप्पा फ्लोर पर ही शवासन करने लगे। येदुरप्पा की तो चादर बिछाकर जमीन पर लौटते हुए तस्वीर भी वायरल हो गई है। अभी अगर जल्दी से कोई फैसला नहीं आया तो भाजपा ही सदन में अपाल भाती भी शुरू कर सकते हैं। मतलब बॉस सत्ता क्या न कर रहा थे। जिसके पास होती है उसको नींद बड़ी आती है और जिसके पास नहीं होती है उसको नींद नहीं आती। कर्नाटक के बाद अब सीधे मुंबई का रुख करते हैं। खबर आ रही है कि अपनी औकात से ज्यादा बोलने वाले एक फेल्ड एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उसका नाम क्यों नहीं ले रहा। भैया सुबह सुबह अपनी जबान मेरे को गंदी नहीं करती। वैसे भी मुंबई पुलिस को सब देने का लेकिन हुल पट्टी नहीं देने का, क्योंकि उसे उखाड़ने के लिए टिकटॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको लोगों को आम से अंगूर और बंदर से लंगूर बनाने में बस एक रात लगती है। इसी सब्जेक्ट पर जब मुंबई पुलिस से पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी तो शायद नहीं पेला है, अब सुबह देखेंगे पेलते हैं नहीं पेलते। किसने सवाल पूछा है रे पेलने वाला। खैर, वही नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना इस्तीफा राहुल गांधी जी को सौंपते हुए मंत्री पद से हाथ जोड़ लिया। इस पर सिद्धू खुद कहते हैं, आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया, ठोको ताली। अब सिद्धू चाहे तो इमरान खान की कैबिनेट में मनोरंजन मंत्रालय संभाल सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस के नेताओं का कुछ समझ में नहीं आता, इनके मंत्री अपना इस्तीफा उस अध्यक्ष के नाम लिखते हैं जो अध्यक्ष खुद अपना इस्तीफा दे चुका है। अब चलते चलते बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। अजब एमपी के गजब सीएम साहब ने अधिकारियों के साथ साथ अब वहां पर कुत्तों का भी तबादला करना शुरू कर दिया। जी हाँ, हमने कहीं पढ़ा ये कि सरकार का कहना है कि ये कुत्ते नए मालिक के आने के बाद भी पुराने मालिक की तरफ ज्यादा वफादार थे। मतलब ये देश इतना सेक्युलर है कि अब कुत्ते भी सरकार बना या गिरा सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले ये काम सिर्फ नेता किया करते थे। सूत्रों का कहना है कि कुत्तों का ट्रांसफर करने के पीछे कारण ये भी है कि मंत्री जी के भाषण कुत्तों के भौंकने के टाइम के साथ क्लैश कर रहे थे, और एक टाइम पर बस एक ही चीज भौंक सकती है ना। खत्म। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और एंड्रॉयड यूजर्स, आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्लीज आप हमारा ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारी वीडियोज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कर लिया है। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।